जो बिहार का आदमी, नेपाल का आदमी जितना मेहनत करता है वो हिंदुस्तान में किसी हिस्से का आदमी नहीं। अभी डफाली बन के, कवाली बन के रोड पर घूमना ये सब अच्छी बात नहीं है। कोई सेठ बनेगा तो तरक्की नहीं है लाइन में। अगर 1000 कारखाने हैं तो उन लोगों का, इन लोगों को जहाँ पे भी कारखाने कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करने पड़ेंगे। आप MSME में स्मॉल एंटरप्राइज हो, माइक्रो एंटरप्राइज हो, तो कोई भी आदमी आपका 90 डेज के ऊपर पेमेंट डिले नहीं कर सकता। जो भी आदमी अपने डॉक्यूमेंट की वजह से परेशान है वो मुझसे रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह मैं उनके सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से प्रॉपर वे में कहते होना चाहिए वो मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा। ऑयल मिल में नागपाड़ा पे, और यहाँ पे बॉम्बे मैन्युफैक्चरर बैग एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो मैन्युफैक्चरर है, जो कारखानदार है और जो दुकानदार है, तो इनके बीच जो ट्रेडिंग होते हैं, जो भी कारखानदार का ये कहना है कि जो दुकानदार होते हैं वो सही टाइम पर पैसे नहीं दे पाते हैं उनको, और जो रॉ मटेरियल्स के जो रेट बढ़ गए हैं कोरोना काल के बाद, जो अभी ये सब सारे मसले आ रहे हैं, पेट्रोल वगैरह के जो भाव बढ़े ये सब की वजह से, तो हमारे बीच मुंबई बैग एसोसिएशन के सदर मौजूद है। हम उनसे कुछ ये जानने की कोशिश करते और वो लोगों को ऐसा बताए कि जो हमारे बॉम्बे है और अदर जो शहरों में जो बैग के हैं वो सारी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और ये सारी चीज़ें जो, ताकि और जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं उनको कुछ ये सारी बातें बता सकें। इससे पहले कभी किसी कारीगर ने इस बात को रखा ही नहीं कि हमारे पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। आज बात रखने के बाद में अगर कोई लोग नहीं देता है तो इसको एक्शन माना जाएगा। बाकी तो अभी इससे पहले जो भी जैसी ज़िंदगी चली लोग की चलती रही, अब तो लोगों ने मुतालबा किया इस बात का, उस बात के बाद अगर लोग नहीं देता है पैसा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि आज ये मीटिंग रखी गई है, इससे पहले भी ऐसी बैठकें हुई है या पहली बार है? पहले ऐसा नॉर्मल होता था लेकिन इस बार सिस्टम से हुआ है तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा। एक दुकानदार को भी फ़ायदा होगा, इसलिए फ़ायदा होगा कि उनको भी सिस्टम में आना पड़ेगा। कारीगर को भी फ़ायदा होगा कि वो भी सिस्टम में आएंगे, वो भी अपने क्वालिटी सुधारेंगे। जब क्वालिटी सुधार के उनको माल देंगे तो वो भी पैसा देगा टाइम से। अगर अपनी क्वालिटी होगा तो सामने वाला को देना है, अगर उसके बावजूद भी उनकी गलती रहेगा तो उनको समझाया जाएगा कि भाई ये गलत काम है, आप उनको पैसा दीजिए। अगर 2 बार 3 बार समझाया जाएगा, नहीं होगा तो उनसे माल लिया जाएगा। हर तरीके है उससे बात करने का, जो जबान से बात करके हर मसले का हल हो सकता है। जिस तरीके से जो कारखानदार होते हैं वो 16-18 घंटा ड्यूटी करते हैं और संडे को भी वो हाफ डे करते हैं, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, संडे को फुल डे छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं? छुट्टी तो कैसा है ना कि संडे को फुल छुट्टी करना चाहिए, ड्यूटी अपना 9 से लास्ट 12 बजे तक करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को रिलीफ देंगे ना तो बॉडी ज़्यादा काम करेगी। अक्सर होता है सुबह 8 बजे से हम लोग लगते हैं 2 बजे तक करते हैं, लेकिन वो बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। वो 10 घंटा का काम हम 14 घंटे में करते हैं, अगर 10 घंटे में उससे ज़्यादा कर सकते हैं। जोश से करना होगा तो आपको ड्यूटी कम करना होगा, अगर जोश से नहीं करना बस बैठा रहना है, कारखानदार को दिखाना है कि मैं ड्यूटी पे कर रहा हूँ, ऐसा है मैं इसमें थोड़ा कमी किसका है, जो कारखाने के बॉस है ना उनका भी कमी है। वो भी कैसा है ना, अभी वो गांव में तो एक मजदूरा होता है, यहाँ आके सेट हो जाता है, उसका नाम सेट हो जाता है। अब सेट होने के बाद वो काम ही नहीं करता है, तो जब हम मजदूरा के साथ काम नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। आपका कहने का मतलब वो कारखाने में टाइम नहीं देते? हाँ, टाइम नहीं देते, तो मजदूरा के साथ हम अगर नहीं लगेंगे तो अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं, तो उनको भी ड्यूटी देना पड़ेगा, तभी जाकर तरक्की होगी इस काम का। और जैसे कि अभी कहा गया है कि अमल में लाया जाएगा, तो कब से ये शुरू होगा? अभी इंशाल्लाह अभी शुरू हुआ है और हम लोग भी फिक्र में हैं और कोशिश करेंगे कि लोगों को अच्छी से अच्छी हम लोग से सपोर्ट मिले, और इंशाल्लाह मेरी जात से जो भी अच्छा होगा वो कोशिश करूँगा और करूँगा भी, इंशाल्लाह करता भी हूँ, करूँगा भी इंशाल्लाह। ओके, एसोसिएशन जैसे कि अभी रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? अब तो ये शुरुआत हुआ तो धीरे धीरे अब पेपर वर्क है होगा, लेकिन उसके बावजूद भी भाई है, सब काफ़ी लोग हैं, हम लोग भी साथ में हैं, जिससे जो तकलीफ होगा उनको सॉल्व करेंगे, उनको बात करके सॉल्व करेंगे। हर चीज़ का बात से हल है, हर चीज़ का अगर कोशिश करेंगे, अगर किसी को तकलीफ़ है और आके एक दूसरे को बताया कि भाई ये दुकानदार हमको तकलीफ़ देता है, वो दुकानदार को फ़ोन करेंगे भाई तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर लेगा। ठीक है, अभी बैग का एसोसिएशन का जो कमेटी बना था उसमें क्या हुआ था, कोई कस्टमर पैसा नहीं देता था,
तो हम लोग क्या किए थे, उसका फ़ोटो डालते थे। फिर बाद में मना किया कि फ़ोटो मत डाल, अपने शहर का नाम बदनाम होगा। फ़ोटो डालने से क्या होता था, लोग घबराने लगे थे, तो बम्बई में नहीं आता था, धंधा अपना कम हो गया था। तो मैंने सबको मना किया कि फ़ोटो मत डालो, अगर फलाना आदमी आपको पैसा नहीं दे रहा तो उसका नंबर भेजो, मैं उसको मैसेज करता हूँ। तो उसका नंबर भेजता था, मैं उनको मैसेज करता था, भाई देखो आपका प्रॉब्लम ये है, आप पैसा नहीं दे रहे, अगर आप पैसा ही नहीं देंगे तो आपका कमेटी फ़ोटो डालेगा। तो वो बेचारा डर के मारे या जो भी उसके दिल में आता, ईमान ताज़ा होता था, वो पैसा देता था। क्योंकि हर चीज़ को बचा के चलेंगे तो ये बिज़नेस चलता रहेगा। अगर एक्सपोज कर देंगे किसी का फ़ोटो, फलाने भाई ने पैसा नहीं दिया, वो उसका इज्जत ख़राब हो, तो सोचता है जा रहे तो ख़राब हो गया तो मैं गाँव ही चले जाता हूँ। तो उसका इज्जत बचा के रखेंगे तो ये काम आगे बढ़ेगा। तो जोश में आके इस काम को अंजाम नहीं देना, तरीके से अंजाम देना। और तरक्की इसी में है कि आप रिलीफ होके अच्छी बात करके अच्छे अखलाक से इस काम को अंजाम देगा तो ही तरक्की होगा। और एक और चीज़ है जो तरक्की याफ्ता आदमी है उनसे सीखी है कि तरक्की क्यों किया। ऐसा नहीं कि हम लड़ाई करने से तरक्की करेंगे, बहुत सुलझ के बहुत संजीदगी से ये तरक्की होता है। आज देखिए हम लोग जितना मेहनत करते हैं ना, दुनिया का कोई पट्टे का आदमी मेहनत नहीं करता है। जो बिहार का आदमी, नेपाल का आदमी जितना मेहनत करता है, वो हिंदुस्तान में किसी हिस्से का आदमी नहीं। उसके बाद में हम लोग अगर हराएगा तो बंगाल का आदमी हराएगा, हम लोग से ज़्यादा ड्यूटी अगर बंगाल वाला करता है। लेकिन सिस्टम होना चाहिए, जो सेठ है वो भी 10 घंटा काम करे कारीगर के साथ, तो उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता है। अभी डफाली बन के, कवाली बन के रोड पर घूमना, ये सब अच्छी बात नहीं है। आप ड्यूटी दो, संडे को हीरो बन के घूमो, दिल से घूमो, खर्चे करो, लेकिन बाकी 6 दिन ड्यूटी दो, फिर आपके दिमाग में ये सब बात घुसेगा कि इसका मतलब क्या है। अभी लोग, हम लोग तो गरीबी थे, गरीबे हैं, आज भी गरीबी है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। कोई सेठ बनेगा तो तरक्की नहीं है लाइन में, या दुकान वाले हो, या कारखाने वाले हो, या मटेरियल वाले हो, या फिटिंग वाले हो, इस लाइन में अगर वो सेठ बन के काम करेगा तो उसकी तरक्की नहीं है। उसको कंटिन्यू नौकर बनना है तो ही वो तरक्की कर सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुंबई बैग एसोसिएशन के सदर, जिनका कहना है कि सब एकताई रहेगा तो सब काम सही से होगा। और हमारे बीच मौजूद है CA, जो कि वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना है, और जो डॉक्यूमेंट का काम है वो किस तरीके से करना है, क्या क्या आपको करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। देखिए, अभी जो लोगों ने मीटिंग लिया था, इसमें मेजॉरिटी लोग जो हैं वो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं। मैन्युफैक्चरर आदमी रोज़ अपना कमाता है, रोज़ खाता है, उसके पास कोई सेविंग नहीं है, तो वो बेचारा अपने डेली डे टू डे लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अगर उनको ट्रेडर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो अपनी सर्वाइविंग कैसे करेगा। इसके लिए ये लोगों का एक प्रपोज़ल है कि हम लोग एक एसोसिएशन बनाएंगे और काम करेंगे। बट एसोसिएशन बनाकर काम करने में सिर्फ लोगों को जोड़ लेने से काम नहीं होगा। इनको सबसे पहले ये करना होगा कि जितने भी हमारे लोग हैं, इनके जैसे 1000 कारखाने हैं जैसे भाई ने बताया था, तो अगर 1000 कारखाने हैं तो उन लोगों का, इन लोगों को जहाँ पे भी कारखाने कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे जहाँ भी ये काम करते हैं तो इनको वहाँ का प्रॉपर रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये लोग काम कर रहे हैं तो MSME के थ्रू इनको अपना आधार उद्यम बनाकर उस पर काम करना होगा। और हमारी गवर्नमेंट की फैसिलिटी है कि अगर आधार उद्यम आपके पास है और आप MSME में स्मॉल एंटरप्राइज हो, माइक्रो एंटरप्राइज हो, तो कोई भी आदमी आपका 90 डेज़ के ऊपर पेमेंट डीले नहीं कर सकता। तो इन लोगों को वही सारी चीज़ें बेनिफिट बताकर और इन लोगों की एसोसिएशन बनाने में जो भी इन लोगों को हेल्प लगेगी उसके लिए मैं इन लोगों के साथ हमेशा जुड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो मार्केट में जो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, जैसे कि एसोसिएशन में ज्वाइंट होने के लिए MSME वगैरह, तो वो सारा हेल्प आपको करेंगे ये। और हमारे बीच एक और शख्स मौजूद है, आप अपनी तारीफ। मैं एडवोकेट नलिन निंदिंगी जी, आपके क्या तासुरात है इस मीटिंग को लेकर? नहीं, बहुत अच्छी पहल है जो लोगों ने की है। इतने पहले जो है मैं ट्रेडर लोगों ने मनाया था, अब जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो मैन्युफैक्चरर है, जो बुनियाद है, जो मनाते हैं, उन्होंने मनाया है। और जैसे ये डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो इतने पहले मैं आपको बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले कई सालों से मेरा डॉक्यूमेंट मेरी पहचान नाम का एक कैंपेन चला रहा हूँ, जिसके तहत हम लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट, उनमें जो गलतियाँ होती हैं उनको सुधारते हैं। और यहाँ जो हमारे भाई आए हुए बैंक के, इनके बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आधे अधूरे हैं,
तो मैं अपनी यात्री कहना चाहूँगा कि जो भी यात्री अपने डॉक्यूमेंट की वजह से परेशान है वो मुझसे रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह मैं उनके सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से प्रॉपर वे में कैसे होना चाहिए वो मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा। और एक एडवोकेट के साथ साथ मेरा छोटा सा बिजनेस, वालिद साहब का बिजनेस है मेरे फादर का, जो इन्हीं बैंक वालों से जुड़ा हुआ है, तो मैं समझ लीजिए इनके घर का मेम्बर हूँ। और जब भी ये मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं इनके लिए हाजिर रहूँगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आप सभी ने सुना कि जो हमारे बीच अगर एकता रहेगा, एकताई रहेगा, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। तो जितने भी बैग के कारोबारी हैं उनसे ये निवेदन है कि आप सभी अपने अंदर एक एकता लाइए और जो एसोसिएशन कहता है उनके बातों पे, उनके कहने पे चलिए, ताकि आगे चल के आपका फ़ायदा हो और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है और आपका फ्यूचर है वो बन सके। और जो भी परेशानी हो एसोसिएशन से आप बताएं और उसका हल एसोसिएशन निकालेगी। सो मैं जिशान शेख, कैमरामैन अशरफ शेख के साथ लंत्रानी न्यूज़, मुंबई।